नहीं होता है। जो आदमी अनुशासन डिसिप्लिन नहीं होता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। आज हमारा भगवान की दया से हमारा सब काम सही चल रहा है, हमको पेमेंट फुल दे रहा है, हमको पेंशन मिल रहा है, पेमेंट फुल मिल रहा है। क्यों? हम अनुशासन कभी नहीं करते, कानून के आगे हम कभी नहीं जाते, हम वक्त से पहले पहुंचते हैं। आंधी हो या तूफान हो, बारिश हो, रुको, आंधी हो या तूफान हो, बारिश हो या कुछ भी हो, हम कभी भी वक्त से नहीं आते, वक्त से पहले आते। इसीलिए आप लोग हमेशा याद रखो, आपको आगे बढ़ना है जीवन के अंदर, वक्त से पहले आना सीखो। ये एसओ बड़ा है, और कोई गार्ड अगर पहले आ गया तो एसओ बोलेगा साला ये गार्ड डेली आता है, हर रोज आता है डेली, एसओ उसको आगे बढ़ाएगा। अरे साहब, वो अपने जो गार्ड है ना, वो बहुत वक्त का पाबंद भी है, उसको सुपरवाइजर बना दो ना। कौन बोलता है? एसओ। क्योंकि एसओ ने देखा, उसको कई बार देखा, ड्यूटी में भी सही रहना, वक्त पर पहले आएगा। एसओ उसकी सिफारिश करके उसका पेमेंट भी बढ़ा दिया, उसका रेंज भी बढ़ा दिया, उसका परिवार सुख दिया। क्यों भाई? हाँ क्यों? क्योंकि वो वक्त से पहले आता था ड्यूटी पर, काम अच्छा करता था। एसओ ने उसकी सिफारिश करा जातीलाल साहब के पास कि साहब इसको एफपी एक्सप्लेंस के अंदर रख दो ना साहब, ये आपके जीवन भर काम आएगा। आगे बोलो। ऐसा कभी भी याद रखो, ड्यूटी के दौरान हो या कहीं पर भी हो, वक्त से पहले पूछो। मानता हूँ आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो, बड़ी मेहनत करते हो, धूप में खड़े रहते हो, लेकिन भगवान ने हमारी डायरी के अंदर जो लिखा है वही होगा। सही क्या गलत? बोलो, सही है। बोलो पंडित जी, सही है। क्या सही है? लिखा है वही होगा। पक्का? आपका नाम क्या है? पंडितों में आके आप, हाँ, ये झूठ नहीं बोल सकते। कहाँ के क्षेत्र में? जो तिवारी जो है ये पंडितों में आते हैं, ये लोग कभी गलत नहीं बोलेंगे, जो सकते हैं वही बोलेंगे। भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है उतना ही फल मिलेगा, समझे? हमारे अंदर जो कला है वो भगवान ने दिया है, भगवान इसको नष्ट भी कर सकता है। नहीं क्या गलत? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पहलवान दुनिया में सब नष्ट हो गए। कोई ऐसा आदमी है जो बचा हुआ है आज तक? 2 साल 200 साल का, 300 साल का है कोई आदमी नहीं है ना, सब नष्ट होने के लिए आए। लेकिन हमारा कर्तव्य, जो लोग कामचोर होते हैं, मकरा बना करते हैं, वो कभी नहीं आगे बढ़े, समझे? हाँ, हेयर कटिंग बोला है, हेयर कटिंग, अरे 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, छोटे छोटे बाल करने, 1 महीना तक देखने की जरूरत नहीं है। ये बिखरे हुए बाल, ये रेशमी जूते, ये अरे साहब, पहला इम्प्रेशन ऐसा डाला तो आखिरी इम्प्रेशन कैसा चलेगा? बोलो, सही बात है कि नहीं? जो आदमी नौकरी के लिए जाता है वो बन ठन के जाता है या बुद्ध होके जाता है? बोलो, पूरी तैयारी से, पूरा लाली लिपस्टिक लगा के, समझे? हाँ, एक बात याद रखो, भूलना मत जीवन के अंदर प्रेम साधन। बोलो, मेरे लिए आज का दिन महान है। मैं आज अपनी सोच के अनुसार काम करूंगा, मेरी चिंता करने से काम ठीक नहीं होगा। मुझे तभी संतुष्टि मिल सकती है जब मैं उत्तम प्रयास करता हूँ प्रसन्न रहने के लिए हमेशा खुश आवश्यक है। मैं आज सभी को खुश करने की कोशिश करूँगा। हार मानना ठीक नहीं है।
जीवन महान है, जीवन महान है, इसका सदुपयोग करे, इसका सदुपयोग करे, आशावादी बने, आशावादी बने। जय हिंद, जय हिंद। अभी विसर्जन है, विसर्जन की कार्रवाई कैसी होती